सूबे के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अजीतपुर गांव में एक गंगा घाट का शिलान्यास किया। घाट को नमामि गंगे योजना के तहत 3,70,00,000 की कीमत से बनाया जाएगा। इस घाट के बनने से केवल ग्राम अजीतपुर ही नहीं बल्कि आसपास के एक दर्जन से ज्यादा गाँव को फायदा मिलेगा। साथ ही भूमि कटाव रोकने में भी ये घाट काफी कारगर साबित होगा। सिद्धपीठ माँ बाल कुमारी मंदिर पर होने वाले इस घाट के निर्माण की मांग लंबे समय से सभी क्षेत्रवासी करते आए हैं। ये हमारे जो क्षेत्र में माता बाल कुमारी के घाट बनाने के जो है कई वर्षों से हम इसकी मांग कर रहे थे। नमामि गंगे हमने कितनी बार लिखा लेकिन आज हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने हमारा सपना साकार किया है। इसके लिए कहां कहां के ग्रामीणों को इसका फायदा मिलने वाला है? कम से कम ये 30 गाँव को हमारे इसका फायदा मिलेगा और हमारे हरियाणा से पंजाब से बहुत लोग आते हैं जो यहाँ स्नान करने आते हैं और यह घाट ना होने की वजह से उनको बहुत दिक्कत होती थी सावन में भी और उसमें भी। देखिए बाल द्वारी जो हमारा मंदिर है एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और सैकड़ों गांव की आस्था इस स्थान से जुड़ी हुई है और उस समय कांवड़ मेला चलता है, हजारों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे इस गांव के प्रधान भाई माया राम जी उनकी पूरी टीम लगातार इस प्रयास में थी कि यहां पर घाट बनना चाहिए। आज हम नमामि गंगा से उस घाट को बनाने में सफल हुए हैं और ये 3,70,00,000 की लागत से इस घाट का निर्माण होगा। बहुत ही अच्छा साफ सुथरा घाट यहां पर बनेगा। काम शुरू कर दे मैं समझता हूँ आने वाले 5-6 महीने के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। कहाँ कहाँ के लोगों को इसका फायदा मिलेगा? मेरी तो पूरी विधानसभा और मैं समझता हूँ दूसरे प्रदेशों तक के लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। लोग हर स्टेट से लोग यहाँ पर भंडारा करने के लिए आते हैं और मैं समझता हूँ लोग इसका लाभ उठाएंगे बहुत अच्छी तरह से। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने नमामि गंगे के द्वारा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो घाटों का बनाने का जो सिलसिला चलाया है इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और लोग इसका लाभ उठाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।